छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियों में है और इन तैयारियों में कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के कुछ विभागों में परिवर्तन भी किया है। इन परिवर्तनों के चलते सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 3 मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए गए। पीसीसी के नए चीफ दीपक बैज आज रायपुर पहुंचे हैं। राजीव भवन में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हुई है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक बयान आया है। दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने टिप्पणी की है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, 3 महीने में पूरा प्रदेश भी नहीं घूम सकेंगे दीपक बैज। प्रदेश को जानने से पहले विधानसभा चुनाव आ जाएगा, सिर्फ भूपेश बघेल की चलेगी, हार का ठीकरा दीपक बैज पर फूटेगा। जब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कैबिनेट में बदलाव हुए हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और ऐसे में अब ये बयान आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के इस बयान पर आप सबका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी छत्तीसगढ़ की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना